यहाँ पे इसका जो बिंदु है इसका नाम रहेगा जीरो, ठीक, और इसे हम कहेंगे एक्स और एक्स डैश, यानी ये वाली जो रेखा है ये क्या है, एक्स अक्ष, क्या है एक्स अक्ष, छोटा अच्छा अक्ष, और ये क्या है वाई डैश और वाई, यानी ये वाली रेखा क्या है वाई अक्ष। अब इधर जो बाई तरफ है वो माइनस में रहेगा यानी कि ऋणात्मक, और इधर जो नीचे उधर ऋणात्मक, और इधर धनात्मक धनात्मक, कोई समस्या। अब यहाँ पे करना कहा है, यहाँ पे गिनती लिख दीजिए माइनस में, माइनस एक माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पाँच, यहाँ पे माइनस वन माइनस दो माइनस तीन माइनस चार माइनस पाँच माइनस छः, ठीक, ऐसे इधर किसमें धनात्मक, तो यहाँ पे एक दो और यहाँ पे तीन, यहाँ पे चार, यहाँ पे पाँच, यहाँ पे छः, इस तरीके से यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छः। तो एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम अगर दे दिया जाए ए, ठीक, तो इनकी लिखा जाएगा निर्देशांक, क्या निर्देशांक, यानी इसका एड्रेस क्या है, इसका पता है कि नहीं। तो देखो एक्स पे दो पे है, यानी एक्स अक्ष पे दो से दिख रहा है और वाई अक्ष पे देखने पे दो दिख रहा है, ठीक, तो इसका निर्देशांक क्या है, दो और दो। सबसे पहले एक्स वाले का मान लिखना है, ठीक है, जब निर्देशांक लिखेंगे ना तो पहले किसका लिखेंगे, एक्स का, किसका एक्स का, उसके बाद वाई का, यानी पहले इसको लिखेंगे एक्स का फिर दूसरे वाले का वाई का, ठीक, और यहाँ पे ए का जो निर्देशांक है दो और दो, ठीक। इसमें देखो एक और होता है भुज और कोटि, क्या होता है भुज कोटि, भुज कोटि, यानी जो एक्स का मान होता है जो उसे कहते हैं भुज, और जो वाई का मान होता है उसे क्या कहते हैं, कोटि, ठीक, यानी कि ये वाई का और ये एक्स का, बात समझ में आई, यानी कि एक्स का जो मान है, जैसे यहाँ पे निर्देशांक लिखा गया है ए का जो निर्देशांक दिया गया है यहाँ पे क्या दिया गया है, दो कामा दो, तो इसमें भुज क्या है, भुज का है इसमें दो है, और इसमें कोटि कितनी है, दो, बात समझ में आई। अब यहाँ पे और कोई दूसरा निर्देशांक देख लिया जाए, यहाँ पे तीन है और यहाँ पे चार कर लिया जाए, यहाँ पे ये, तो इसके निर्देशांक देखा जाए, जैसे ये बी है ना, ठीक है, इस बिंदु का नाम दिया गया हमने बी, तो इसके निर्देशांक क्या है, एक्स वाला देखना है पहले, ठीक है, तीन, और यहाँ से देखते हैं मतलब, तो क्या आता है चार माइनस में, तो यहाँ पे तीन माइनस चार, तो बी के का है निर्देशांक क्या है, तो इसमें भुज क्या है कि नहीं, बी के लिए यहाँ पे जो बी है इके जो है भुज क्या है, तीन है, और कोटि क्या है इसमें माइनस चार, ठीक, बात समझ में, यानी जो एक्स वाला मान है वो भुज है, जो वाई का मान है वो कोटि है, भुज को पहले लिखना है कोटि को बाद में लिखना है, ठीक, फिर आगे क्या करना है, चतुर्थांश होता है, क्या होता है, इसमें कितने भाग हैं, एक दो तीन चार, इसको क्या कहेंगे, पहले नहीं प्रथम चतुर्थांश, क्या कहेंगे इसको, प्रथम चतुर्थांश, प्रथम, और ये वाला द्वितीय, क्या द्वितीय, क्या चतुर्थांश, ऐसे चलना है चतुर्थांश, फिर इसके बाद तृतीय, यानी कि तृतीया मतलब तीसरा, है कि नहीं, तो ये क्या है तृतीय, तृतीय चतुर्थांश, ठीक, ये क्या है चतुर्थ, क्या चतुर्थ, चतुर्थ का मतलब चार और चतुर्थांश, प्रथम का मतलब पहला, द्वितीय का मतलब दूसरा, तृतीय का मतलब तीन, है कि नहीं, तीसरा, और चतुर्थ का मतलब चार, ठीक। थोड़ा इनका पहचान और करना है, देखो इसमें क्या आता है, प्लस प्लस में आता है, यानी जो प्रथम चतुर्थांश है इनके जो मान होंगे प्लस प्लस में ही रहेंगे, यानी भुज और कोटि दोनों प्लस में, ठीक, और इसमें क्या रहेगा, जो भुज है ना एक्स का मान आ रहा है ना, सबसे पहले एक्स लिखना है फिर कोटि हुई वाला वाई का लिखना है, तो भुज क्या है इसमें माइनस में आएगा, तो इसमें माइनस में आएगा, फिर उसके बाद
प्लस में आएगा। तो इनका कुछ ऐसे रहेगा, यानी जो भी निर्देशांक रहेगा ना इसका द्वितीय चतुर्थांश का, तो एक माइनस रहेगा पहले, फिर बाद में प्लस, और तीसरे में क्या रहेगा, माइनस और माइनस दोनों तरफ, यानी कि यहाँ पे भुज भी माइनस में और कोटि भी माइनस। ठीक, फिर क्या है इसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पे प्लस और माइनस, एक्स पे प्लस और वाई पे इनके मान माइनस, ये प्लस माइनस इनके कहाँ है, प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस और यहाँ पे माइनस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस। ठीक, ये है भुज कोटि चतुर्थांश।